देखिए, गर्म हवा अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी कल्ट फिल्म है, और मतलब हमने तो देखी है, लेकिन हमारे जो मेरी मम्मी है ख़ास, वो देखने आई हैं इस फिल्म को दोबारा से, और हाल ही में मैंने ये फिल्म देखी थी तकरीबन 6-7 महीने पहले, और जो इन लोगों के लिए यादें ताज़ा होती हैं वो तो है ही है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत फिल्म, एक बहुत प्यारी फिल्म, एक आई ओपनर, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है, तो और आई थिंक PVR को बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी कि ऐसी खूबसूरत फिल्म को सबके पास एक बार फिर लेकर आए, और सो इट्स वेरी नाइस टू वॉच इट इन अ वेरी न्यू वे। एक्सपेरिमेंट है कि पुरानी 40 साल पुरानी फिल्म हो हम वापस दिखा रहे हैं, उसको डिजिटली रेस्टोर किया गया है, और अब क्या कैसे आजकल की पीढ़ी जो है वो इसको पसंद करेंगे, इस तरह के नैरेटिव को देखना चाहेंगे, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बहुत से वायलेंस और सेक्स और मार धाड़ यही चल रहा है हमारी फिल्मों में, और बहुत से स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये जो फिल्म है कि इसका नैरेटिव अलग से है, बिल्कुल हट के, पुरानी फिल्म हो मगर पुरानी तरीके से बनी हो, फिर भी इसका असर क्या पड़ेगा, इसमें स्टोरी वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू जो है वो बहुत अहमियत रखती है। और ये हमारी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म है, मैं बहुत छोटा था जब देखी थी, लेकिन उसने मेरे जहन में एक जगह बना ली थी, कई चीज़ें याद थी उसमें, मोमेंट्स याद थे मुझे, बलराज सहनी साहब का काम बहुत कमाल का काम था उसमें, तो ये फिर ताज़ा करने आया हूँ, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ इसको।